वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास पातशाह तरस करके कुछ शरीर भी माण भी बख्शिश कर दिता कि वह गुरु की खुशी के भी पात्र बनते हैं, तो पंथ के वफादार सिपाहियों वांगू अपनी ड्यूटी भी निभा जाते हैं। सो ये जिहड़े साढ़े कैमर वाले बच्चे थे उत्थे, इन्होंने पिछले दिन ही उस तो पहला भी मैं देखदा पहला भी किसी का बटुआ निकल गया, किसी का कुछ हो गया, तुरंत ये एक्शन च आ जाते हैं। पर आ जी कार्रवाई उदन हुई जिदे बंब वाला कांड होया, इन्होंने तुरंत हरकत दे विच आ के एक पंथ से बहुत बड़ा ब्लेम लगना सी, वो इन्होंने सारे बंदे आइडेंटिफाई कर लए। सो मैं उदन भी इन्होंने बधाई दित्ती सी, अज भी थोड़ा जिहा फाइनैंशियली तौर दे उत्ते है, कुछ भी नहीं राशि ये, पर जेले सत्कार देने किसी नूं तो फिर वह बहुत बड़ा हो जाता। सो इन्हां दी सारी टीम जिहड़ी आ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਅਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ अमाउंट का कोई मैटर नहीं हुंदा कि अमाउंट कितनी है, क्योंकि जिहड़ा मान सम्मान हुंदा वह तो एक रुपया भी होवे तो बहुत ज़्यादा मान हुंदा आ। ये करके यही इन्हों का मान किया, सन्मान किया, ना कि इन्हों कोई राशि दे के कोई इन्हों का एहसान किया। ये साढ़े परिवार का हिस्सा आ, इन्हों का उत्साह वधाउण लई जिहड़ा सन्मान किया गया सी, तां कि ये होर भी मेहनत नाल काम कर, इन्हां नाल वेख के दूसरे मुलाजम जड़े आ वह भी इन्हों तो प्रेरणा लैके तो वह भी अगे तो वधिया ड्यूटी कर, जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिथे लखां दी तादाद संगत दर्शन कर आउंदी आ, उन्हां नूं वधिया प्रबंध मिल सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।